Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to continue our chapter number 11 of class 11th history. This is our second video of the following chapter, as I have already uploaded part 1 of the following chapter in the playlist. You may check from there, and even I will mention the link of the playlist in the description box too. Okay, so let us continue. मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी, क्योंकि हम जापान के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे जापान ने अपनी पॉलिटिकल व्यवस्था और अपनी सोशल व्यवस्था को स्थापित किया, तो अब उसी को ही हम कंटिन्यू रखते हैं. मीजी रिफॉर्म्स वाज इंट्रोड्यूस फॉर द मॉडर्नाइजिंग ऑफ द इकोनॉमी. तो उन्होंने अपने यहाँ मीजी रिफॉर्म्स लेके आए, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया कि जो फंड्स होंगे, जो देश को ज़रूरत होगी फंड्स की, वो कैसे इकट्ठे किए जाएंगे, एग्रीकल्चर टैक्स लगा के. अब एक बात याद रखना, देखो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं या फार्मर्स होते हैं, उनकी सोर्स ऑफ इनकम इतना नहीं होता, वो तो बस जस्ट सर्वाइवर के लिए ही इतना पर्याप्त कर पाते हैं, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सब्सिस्टेंस ही कर पाते हैं. तो अगर आप उन अगर ये इस व्यवस्था के चलते हुए उनके ऊपर टैक्स लगेगा, तो हाउ दे विल सर्वाइव, दिस इज अ क्वेश्चन. जापान्स फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन टोक्यो एंड द पोर्ट ऑफ योकोहामा वाज बिल्ट इन 1870 एंड 72. तो पहली उन्होंने देश के विकास के लिए, मॉडर्न करने के लिए रेलवे लाइन बिछाई 1870 से 72 के बीच में. अच्छा, यहाँ याद रखना, इंडिया के लिए 1850 में शुरू हो गई थी हमारे यहाँ, ठीक है ना. टेक्सटाइल मशीन वाज इम्पोर्टेड फ्रॉम यूरोप, और जो कपड़ा बनाने की मशीन थी वो कहाँ से इम्पोर्ट करते थे, यूरोप से. एंड फॉरन टेक्नीशियंस वर एम्प्लॉयड टू ट्रेन वर्कर एज वेल एज टू टीच इन यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स, एंड जैपनीज स्टूडेंट्स वर सेंट एब्रोड. तो इन्होंने क्या किया, विदेशी टेक्नीशियंस को बुलाया कि भाई आप लोग आओ हमारे देश में और हमारे लोगों को नई नई चीज़ें सिखाओ, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाओ आप लोग. इससे जापान को क्या फ़ायदा था, देखो अगर उसके देश के खुद के लोग ही मतलब अच्छी टेक्निकल स्किल्स रखेंगे, तो देश ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करेगा, और यही आप यहाँ देखो आज कितनी तरक्की कर रहा है जापान. ऐसी पॉलिसी चाइना भी लाया था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर. तो इस तरह की पॉलिसी देश के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. कंपनीज लाइक मित्सुबिशी एंड सुमिटोमो वर हेल्प्ड थ्रू सब्सिडीज एंड टैक्स बेनिफिट्स टू बिकम मेजर शिप बिल्डर, सो दैट जैपनीज ट्रेड वॉज कैरिड इन जैपनीज शिप. तो जैपनीज गवर्नमेंट ने इन दोनों कंपनियों को सब्सिडीज दी, ताकि ये दोनों कंपनी अपना विकास कर सके, क्योंकि ये दोनों कंपनी शिप बिल्डर्स कंपनी थी. अगर ये शिप्स ज़्यादा बनाएंगी और जो फॉरेन ट्रेड है वो शिप के ज़रिए ज़्यादा होगा, तो जापान को उसका फ़ायदा है, उसकी कॉस्ट क्या आएगी, प्रोडक्शन की और डिस्ट्रीब्यूशन की कम आएगी. इवन इंडिया के अंदर भी आप देख लो, भारत सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए थे ताकि इंडिया का विकास किया जा सके, मेनली बैकवर्ड एरियाज का, जैसे गुजरात के अंदर सैज बनाए गए थे. उसमें वही गवर्नमेंट करती है, टैक्स बेनिफिट्स देती है, सब्सिडाइज रेट पे चीज़ों को प्रोवाइड कराती है. द पॉपुलेशन 35 मिलियन इन 1872, 3.5 करोड़ थी इसकी पॉपुलेशन 1872 में, और जो कि 55 मिलियन हो गई 1920 में, मतलब 5.5 करोड़ हो गई 1920 में. टू रिड्यूस पॉपुलेशन प्रेशर द गवर्नमेंट एक्टिवली एनकरेज्ड माइग्रेशन फर्स्ट टू द नॉर्दर्न आइसलैंड ऑफ होकाइडियो इंडिजीनियस पीपल कॉल्ड द एनुलीव्ड एंड देन टू हवाई एंड ब्राज़ील. तो पॉपुलेशन प्रेशर कम करने के लिए एक जगह से जापान की गवर्नमेंट ने लोगों को माइग्रेट करवाया कि आप जापान के और हिस्से में जाओ, क्योंकि देखो अगर एक जगह पे पॉपुलेशन का दबाव ज़्यादा होता है तो स्ट्रगल फॉर रिसोर्सेज बढ़ जाता है एक पर्टिकुलर एरिया में. तो इसलिए जापानीज गवर्नमेंट ने उनको क्या किया, दूसरे इलाकों में फॉरवर्ड किया कि आप लोग वहाँ जाओ, वहाँ जाके डेवलपमेंट भी करो, और यहाँ से पॉपुलेशन प्रेशर भी कम होगा, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, और ये एक सही तरीका है. विद इन जापान देयर वॉज अ शिफ्ट टू टाउन्स एज इंडस्ट्री डेवलप्ड. तो जैसे जैसे इंडस्ट्री डेवलप्ड हो रही थी, लोग गाँव से या रूरल एरिया से टाउन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे थे. तो अब देखो क्या होता है, जब कई बार लोग माइग्रेट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो जो नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं वो भी माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट या लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो भी तो माइग्रेट करेगा ना उन लोगों के साथ दूसरी जगह. अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है इंडस्ट्रियल वर्कर्स.
The number of people in manufacturing sector increased from 7 lakh. तो 1870 में 7 लाख मजदूर थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और जो अब बढ़कर कितने हो गए थे 1913 में 40 लाख लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इंडिया की भी अगर हम बात करें, हमारे यहाँ आप देखो प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूस घटता जा रहा है और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का रोल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मोर देन हाफ ऑफ देम वर वुमेन इन फैक्ट्रीज, और ये जो जितनी महिलाएं थी, ये जो 40 लाख लोग थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इनमें से आधी महिलाएं थी, जो कि एक अच्छी बात है वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज करने के लिए, ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगी तो शी इज एबल टू अर्न फॉर हर एंड फॉर हर बिलव्ड वंस। एंड इट वॉज वुमेन हु ऑर्गेनाइज द फर्स्ट मॉडर्न स्ट्राइक इन 1886, और महिलाएं ही थी जापान के अंदर पहली जिन्होंने मतलब कि हड़ताल करी थी, सबसे पहले पहली जो हड़ताल की गई थी जापान के अंदर वो महिलाओं के ही द्वारा की गई थी। द रैपिड एंड अनरेगुलेटेड ग्रोथ, रैपिड मतलब बहुत तेजी से, अनरेगुलेटेड मतलब जिसपे गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो, ऑफ इंडस्ट्री एंड द डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सिस सच एज टिम्बर लीड टू एनवायरमेंटल डिस्ट्रिक्शन। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ती है, ठीक है रोजगार तो मिलता है, हम मानते हैं एक्सप्लोइटेशन भी तो होता है प्रकृति का, उतना ज़्यादा रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, उतना ज़्यादा पोल्यूशन भी तो होता है, तो धरती का एक्सप्लोइटेशन बढ़ता है। अब आपका जैसे एक एग्जांपल सोचोगे, अगर आप सोच रहे होगे इंडिया के अंदर हमें अगर गरीबी कम करनी है तो हमें फैक्ट्रीज लगानी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बात याद रखना जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जितना ज़्यादा देश इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा, उतना ही ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन होगा नेचुरल रिसोर्सिस का। तो टिम्बर आप जानते हो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा टिम्बर का काम हरियाणा यमुनानगर में होता है। टिम्बर एक तरह का वुड होता है, ट्री होता है, जिससे क्या किया जाता है कि बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, और मेनली तो जापान में घर वुड्स के ही होते हैं, लकड़ियों के, तो टिम्बर से ही बनाए जाते हैं। टोनाका शोजो लॉन्च द फर्स्ट एजिटेशन अगेंस्ट इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, तो इन्होंने, ये एक जैपनीज थे, इन्होंने सबसे पहले मतलब इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के खिलाफ आवाज़ उठाई 1897 में विद 800 विलेजर्स, और अपने साथ 800 गांव वालों को भी इन्होंने एकत्रित किया, इकट्ठा किया। देखो जब फैक्ट्री लगती है और धुआं निकलता है तो सोसाइटी को फेस करना पड़ता है, वो उसको बोलते हैं सोशल कॉस्ट, ठीक है, जो सोसाइटी पे करती है किसी डेवलपमेंट की वजह से, उसको बोलते हैं सोशल कॉस्ट। तो जब सोशल कॉस्ट बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ती है तो फिर सोसाइटी कैसे सर्वाइव करेगी, वो भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाती है ना। तो 800 विलेजर्स इन अ मास प्रोटेस्ट फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू टेक एक्शन, तो गवर्नमेंट को फोर्स कर रहे थे वो कि भाई आप लोग पॉलिसी सही बनाओ और इस पॉल्यूशन पे कंट्रोल करो, क्योंकि अगर मान लो ऐसे डेवलपमेंट का फायदा भी क्या है जो हेल्थ से को इफेक्ट करता हो। एग्रेसिव नेशनलिज्म, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद, एग्रेसिव गुस्से वाला राष्ट्रवाद, मतलब कि देश के प्रति इतना प्रेम हो जाना कि किसी भी गलत चीज़ को ना सहन करना। द मीजी कॉन्स्टिट्यूशन वाज बेस्ड ऑन अ रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी एंड क्रिएटेड अ डाइट जर्मन वर्ड द जैपनीज पार्लियामेंट विद लिमिटेड पावर। तो क्या था, जो मीजी कॉन्स्टिट्यूशन था वो जो वहाँ की संसद थी जापान की, उसको रिस्ट्रिक्ट करता था, उसको सीमित कर देता था, उसकी पावर्स को कम कर देता था, और वहाँ की संसद को क्या बोला जाता था, डाइट। द लीडर्स हु ब्रॉट अबाउट द इम्पीरियल रिस्टोरेशन कंटिन्यू टू एक्सरसाइज पावर एंड इवन एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये जो लीडर्स थे जिन्होंने इम्पीरियल रिस्टोरेशन किया था देश के अंदर, मतलब सब कुछ बदला था, वो लोग पावर में बरकरार थे, उन्होंने अब अपनी पॉलिटिकल पार्टीज भी बना ली थी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया और कैबिनेट बनाए। हमारे यहाँ भी आप जानते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज। लेटर दे लॉस्ट देयर पावर टू कैबिनेट्स हु फॉर्म्ड देयर ओन पार्टी। तो बाद में क्या हुआ, ये जो लीडर्स थे जिन्होंने कैबिनेट्स बनाए थे, या ये जो मतलब जो पावरफुल लोग थे, वो बाद में मतलब हार गए, और जिन लोगों ने जो लोग कैबिनेट में चुने गए थे उन लोगों ने मतलब क्या हुआ, अपनी ही पार्टियां बना ली। तो देखो ये भी डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब कि जिसको आप मतलब कि जिसको मान लो फॉर एग्जांपल इस व्यक्ति को पावरफुल व्यक्ति लेके आता है, ये एक्स व्यक्ति है, ये एक्स व्यक्ति क्या करता है, उस पावरफुल व्यक्ति को ही आउट कर देता है और खुद अपने हाथ में सारी पावर्स को ले लेता है।
In 1899, the Prime Minister ordered that only serving generals and admirals could become minister. तो 1899 में वहां के प्रधानमंत्री ने एक नियम बनाया या एक अध्यादेश जारी किया, ऑर्डिनेंस कह लो, कि भाई जो मिलिट्री में जनरल्स हैं या एडमिरल्स हैं या जो नेवी में होते हैं ना एडमिरल्स, तो वो लोग जो हैं वो ही मंत्री बन सकते हैं देश के अंदर, क्योंकि उन्होंने देश की सेवा की है ना, तो उनको मौका मिलेगा। दिस स्ट्रेंथनिंग ऑफ मिलिट्री, इससे मिलिट्री भी मजबूत होगी, मिलिट्री ऑफिसर्स को भी लगेगा कि हाँ भाई हमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में भी देश की सरकार हिस्सा लेने दे रही है। टुगेदर विद द एक्सपेंशन ऑफ जापान्स कॉलोनियल एम्पायर, और इससे क्या होगा, जापान का जो साम्राज्य जिसको फैलाना है धीरे धीरे वो और ज्यादा मजबूत होगा। दे लाइव्ड हायर टैक्सेस टू फंड्स द आर्म्ड फोर्सेज, अब ये गलत है, जनता के ऊपर ज्यादा टैक्स लगा रहे हो कि आर्म्ड फोर्सेज को फंड्स देने हैं, तो जनता कब तक सहन करेगी, फिर दिक्कत होगी। वेस्टर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशन, वेस्टर्नाइजेशन का मतलब अमेरिकन कल्चर मान लो या कैपिटलिस्ट कल्चर मान लो। जैपनीज इंटेलेक्चुअल्स हैड डिफरेंट व्यूज ऑन जापान्स रिलेशन विद अदर कंट्रीज, तो जो जैपनीज स्कॉलर्स हैं या जो जैपनीज थिंकर्स हैं उनके अलग अलग व्यूज हैं जापान के रिलेशंस पे दूसरे देशों के साथ। जैसे कुछ तो कहते हैं कि टू सम द यूएसए एंड वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज वर एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सिविलाइजेशन टू विच जापान एस्पायर्ड, तो जो यूरोप है या जो वेस्टर्न यूरोप है, जो यूएसए है, उससे जापान बहुत ज्यादा प्रभावित है और उनकी सभ्यता को, उनके सिविलाइजेशन को अपना रहा है। और देखिए, जब एक समुदाय दूसरे समुदाय के सिविलाइजेशन को, कल्चर को या उनकी सभ्यता को अपनाए, तो इसी प्रोसेस को संस्कृताइजेशन बोला जाता है। तो जापान, सम स्कॉलर्स थिंक्स दैट कि जापान इज डूइंग संस्कृताइजेशन एंड फॉलोइंग द कल्चर ऑफ यूएसए और वेस्टर्न यूरोप। फुकुजावा युगिची एक्सप्रेस्ड दिस बाय सेइंग दैट जापान मस्ट एक्सपेल एशिया, और ये तो ये भी कहते हैं कि एशिया को बिल्कुल ही एक्सपेल कर दे जापान, ठीक है। ही मीन्ट दैट जापान मस्ट शेड इट्स एशियन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिकेम पार्ट ऑफ द वेस्ट, तो फुकुजावा युकिची का मतलब क्या था कि जापान एशिया की कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी कल्चरल, रिलीजियस या किसी भी तरह की एक्टिविटी को ना अपनाए और सब कुछ अबैंडेंड कर दे एशिया से जुड़ा हुआ, और पूरी तरीके से वेस्टर्न यूरोप या यूएसए से जुड़ जाए। द फिलोसफर मियाके सेट्सोरे आर्ग्यूड दैट ईच नेशन मस्ट डेवलप इट्स स्पेशल टैलेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन, टू डिवोट वन सेल्फ टू वंस कंट्री इज टू डिवोटी वन सेल्फ टू द वर्ल्ड, तो ये फिलोसफर हैं एक जापान के, इन्होंने कहा कि भाई देखो ये हर देश अपने यहाँ कुछ इस तरह का टैलेंट मतलब डेवलप करे जो वर्ल्ड सिविलाइजेशन, दुनिया की सभ्यता में अपना आप हिस्सेदारी दे सको। एक तो आप अपने देश के प्रति या अपने देश की सभ्यता के प्रति ईमानदार रहो, और दूसरा आप दुनिया की सभ्यता के प्रति ईमानदार रहो। ये फिलोसफर ठीक कह रहे हैं, इससे दो फायदे हैं, दुनिया की सभ्यता से के साथ चलोगे तो फायदा, आप दुनिया से अलग नहीं होगे, और अपने देश की सभ्यता को बचा के रखोगे वो भी अच्छी चीज है, आपका कल्चर कंटिन्यू रहेगा, तो ये फिलोसफर ठीक कह रहे हैं। मैनी इंटेलेक्चुअल्स वर अट्रैक्टेड टू वेस्टर्न लिबरलिज्म, तो बहुत सारे लोग वेस्टर्न लिबरलिज्म मतलब जो यूरोप का या जो अमेरिका का लिबरलिज्म था, आजादी व्यवस्था थी, उससे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल अट्रैक्ट हुए एंड वांटेड अ जापान बेस्ड नॉट ऑन द मिलिट्री बट ऑन डेमोक्रेसी। सो कुछ इंटेलेक्चुअल ये चाहते थे कि जापान जो है वो अपने यहाँ मिलिट्री बेस पे ना अपने देश को डेवलप करके डेमोक्रेटिक वे में के अपने यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए। योके इमोरे वाज डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एडमायर्ड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन डॉक्ट्रिन, तो ये जो थे ये भी एक इंटेलेक्चुअल है, इनका कहना है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन डॉक्ट्रिन को मानती हो, नेचुरल राइट्स पे बात करती हो और लोगों को आज़ादी हो लिबरल एजुकेशन की, दैट वुड डेवलप ईच इंडिविजुअल, ताकि हर व्यक्ति अपना विकास सुचारू रूप से कर सके। इनकी भी बात ठीक है, आप देखो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से अपने संविधान में प्रीएम्बल में आप देखो लिबर्टी शब्द लिया या नहीं लिया,
तो लिबरलिज्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद रखना 1789। अदर्स इवन एडवोकेट वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन, ये भी बिल्कुल ठीक है। कुछ इंटेलेक्चुअल कहते हैं कि भाई महिलाओं को भी बराबर का हक हो वोटिंग राइट, हमारे यहाँ पे भी है, इंडिया के अंदर भी है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज है हमारे यहाँ। दिस प्रेशर लीड द गवर्नमेंट टू अनाउंस अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब जब जनता ने प्रेशर बनाया गवर्नमेंट के ऊपर, तो गवर्नमेंट को फिर संविधानिक व्यवस्था स्थापित करनी पड़ी। डेली लाइफ कैसी थी अब लोगों की? जापान्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ मॉडर्न सोसाइटी कैन बी सीन आल्सो इन द चेंज इन एवरीडे लाइफ। तो देखो जापान के अंदर जो मॉडर्नाइजेशन आ रही थी, तो वो हम लोगों के जीवन में भी महसूस कर सकते थे, देख सकते थे। इवन आज देख लो आप कितने ज़्यादा हाईली टेक्नोफाइड वे में वो अपनी लाइफ को जी रहे हैं। द न्यू होम वॉज दैट ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली वेयर हजबेंड एंड वाइफ लिव्ड एज ब्रेडविनर एंड होम मेकर। तो जो वहाँ पे कंसेप्ट शुरू हुआ वो न्यूक्लियर फैमिली का हुआ कि जैसे बेटे की शादी होगी वो माँ बाप से अलग हो गया, और हस्बैंड का काम था कि कमा कर लाना, और वाइफ का काम क्या था, घर चलाना, घर में मतलब खाना या घर के जो क्योर्स हैं उन सबको पूरा करना। क्योंकि देखो ये न्यूक्लियर फैमिली वाला कंसेप्ट मैं आपको बताऊं, ये इसलिए वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में या इस तरह के जापान जैसे देश में या मॉडर्न इकोनॉमीज में या डेवलप्ड इकोनॉमीज में कह लो ज़्यादा प्रिवेल करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, लिविंग जो कंडीशंस हैं वो बहुत बढ़िया हैं और एक्सपेंसिव हैं। तो जनरली दे प्रिफेयर न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट, क्योंकि कई बार एक्सपेंडिचर्स फिर इनकम से ज़्यादा होते हैं उनके वे में। हमारे यहाँ तो आप जानते हो इंडिया के अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम है, न्यूक्लियर फैमिली कहीं कहीं है, पर फिर भी टुडे वी हैव अ रिच हेरिटेज एंड रिच कल्चर। इट जनरेटेड डिमांड्स फॉर न्यू टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। तो अब लोग नई नई जब मॉडर्न हो रही है सोसाइटी, तो नए नए सामान की मांग होने लगी। फैमिली एंटरटेनमेंट्स एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ हाउसिंग, घर भी फिर अब लोग नए नए बनाएंगे, बढ़िया तरीके से बनाएंगे। आज देखो आप जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है, लोग अपने घरों के अंदर रहने के तरीके को भी बदल रहे हैं। इवन घर देखो आप, पहले क्या होते थे, घर बनते थे, आज फ्लैट्स का चलन चल गया है। तो इसी तरह चीज़ें बदल रही हैं। इन द 1920s कंस्ट्रक्शन कंपनीज मेड चीप हाउसिंग अवेलेबल फॉर एवरीवन। तो जापान के अंदर 1920 में कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने सस्ते दरों पे घर प्रोवाइड कराए ताकि हर व्यक्ति को अच्छे घर। ओवरकमिंग मॉडर्निटी, जापान लॉन्च्ड वॉर्स टू एक्सटेंड इट्स एम्पायर इन चाइना। तो जापान ने चाइना के साथ वॉर्स युद्ध लड़े ताकि अपना फैलाव कर सके टेरिटरीज को, जैसे यूएसएसआर रशिया कर रहा है अब किसमें, यूक्रेन में। इवन जापान चाइना भी आसपास की टेरिटरीज को कब्जाने की कोशिश करता है, इसलिए तो डोकलाम वाला आपको जो हमारी इंडियन आर्मी के साथ उनका कन्फ्लिक्ट हुआ था वो आपने सुना होगा। तो जापान भी अपना, चाइना भी अपना एक्सपेंशन करता है, आप देख लो वियतनाम को या फिर आप उसको भूटान के कुछ एरिया को जापान अपना मानता है, या बहुत सारी टेरिटरीज है इन चाइना एंड अदर पार्ट्स ऑफ एशिया। अ वॉर दैट मर्ज्ड इनटू वर्ल्ड वॉर टू आफ्टर जापान अटैक्ड द यूएसए एट पर्ल हार्बर। तो जापान एशिया में तो अपने आप को फैला ही रहा था टेरिटरीज पे कब्जा करके, चाइना की या उससे उधर की टेरिटरीज पे, और इवन उसने वर्ल्ड वॉर टू में भी पार्टिसिपेट किया, यूएसए का जो पर्ल हार्बर में जो उनका वो था उस पे हमला करके। दिस पीरियड सा ग्रेटर कंट्रोल्स ऑन सोसाइटी एज दे फॉर्म्ड पेट्रियोटिक सोसाइटीज। पेट्रियोटिक सोसाइटीज मीन पितरात्मक सत्ता, इन विच अ मेल डोमिनेट्स। मैनी ऑफ देम वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट द वॉर। तो बहुत सारी महिला संस्थाएं वॉर को सपोर्ट कर रही थी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो भी पेट्रियार्कल सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को फेस उन्हें भी करनी पड़ती थी ना। सो दे इवन आपने देखा होगा वियतनाम वॉर में महिलाओं ने कितना ज़्यादा रोल प्ले किया था, ठीक है ना। तो इवन वुमेन के 12th की हिस्ट्री में आप देखेंगे भी इसमें चीज़ें आएंगी बहुत सारी। अ मीटिंग वॉज हेल्ड Overcoming modernity in 1943 debated that how to secure Japan's identity with Western culture. तो एक मीटिंग हुई कि यार ये जो हम पूरी तरह से वेस्टर्न होते जा रहे हैं इससे बचे कैसे, और कैसे हम जापान की आइडेंटिटी को सुरक्षित कर लें इस वेस्टर्न कल्चर से। क्योंकि जब भी संस्कृताइजेशन होता है
और एक व्यक्ति दूसरे समुदाय के कॉपी करना शुरू करता है तो उसके पॉजिटिव फैक्ट्स भी कॉपी होते हैं एज वेल एज नेगेटिव फैक्ट्स भी। ये आपने सोशोलॉजी में पढ़ा भी होगा। अ म्यूजिशियन मोराय सेब्रो पास्ड द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू रिस्टोर जैपनीज आर्ट ऑफ द स्प्रिट और प्लेइंग जैपनीज म्यूजिक ऑन वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट। तो इन्होंने ये सवाल उठाया या सोचा कि यार हम जैपनीज ट्यून्स को या म्यूजिक को कैसे इन वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स पे बनाएं, इंस्ट्रूमेंट्स पे प्ले करें। द फिलोसफर निशितानी केजी डिफाइंड मॉडर्न एज द यूनिटी ऑफ थ्री स्ट्रीम ऑफ वेस्टर्न थॉट, द रिनेसा, द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। टू हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड, फॉर फेथ अलोन कुड गाइड देम टू द राइट लाइफ एंड एंट्री इन टू द हेवन एंड द राइज ऑफ नेचुरल साइंस। तो इनका ये कहना है कि अगर कल्चरल रिफॉर्म लाने हैं या मॉडर्निटी को, वेस्टर्न कल्चर को छोड़ना है, तो वी शुड स्टार्ट फॉलोइंग द गॉड और बिलीव स्टार्टेड टू बिलीव इन द गॉड। सो एंड इवन आल्सो वी हैव टू रिफॉर्म अवर कल्चर, अवर ट्रेडिशन, सो दैट वी कैन कंप्लीटली अबैंडन द यूएसए और वेस्टर्न कल्चर। ही आर्ग्यूड, तो इन्होंने कहा दैट जापान्स मॉरल एनर्जी हैड helped it from colonization and it was its duty to establish a new world order, a greater East Asia. तो इन्होंने कहा कि हमें वेस्टर्न यूरोप की तरफ या यूएसए की तरफ ना देखकर अपने ईस्टर्न एशिया पे फोकस करना चाहिए और हमारी पहली प्रायोरिटी ये रहे कि हम ईस्ट एशिया का डेवलपमेंट करें, क्योंकि जापान ईस्ट एशिया में है। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो जब अब आप सबसे पहले दूसरे एरिया की टेरिटरी को में एक्सपेंड करने से पहले तो अपनी टेरिटरी जो आपके पास है उसको आप डेवलप करो ना, वही जापान को ये फिलोसोफर कहना चाह रहा है। फॉर दिस अ न्यू विजन दैट वुड इंटीग्रेट साइंस एंड रिलीजियन वाज नेसेसरी। तो साइंस और रिलीजियन को एक साथ जोड़ना पड़ेगा और तब जाके हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये इन फिलोसोफर का मानना था। री इमर्जिंग एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर। आप जानते हो वर्ल्ड वॉर टू में, जब 1945 में वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुआ तो जो हमारी एक्सिस पावर्स थी, जापान, इटली, जर्मनी, वो हार गई थी। दूसरी तरफ अलाइड फोर्सेस थी, ब्रिटेन, यूएसए, यूएसएसआर एंड फ्रांस। अलाइड फोर्सेस के लिए आप बफ शब्द याद रख लेना, BUUF, बी से ब्रिटेन, यू से यूएसएसआर, अब तो रशिया हो गया, 1991 में टूट गया था, दूसरे यू से यूएसए, एफ से फ्रांस। और इधर एक्सिस फोर्सेस में जिग याद रख लेना, JIG, जे से जापान, आई से इटली, जी से जर्मनी। जापान विश ऑफ कॉलोनियल एम्पायर एंडेड विद इट्स डिफीट बाय द अलाइड फोर्सेस। तो अलाइड फोर्सेस ने जापान को हरा दिया था और ये जो कॉलोनियल एम्पायर ये सब खत्म हो गया था वहाँ। वर्ल्ड वॉर टू ओकर्ड बिटवीन, ये 1939 से 1945 के बीच में चला वर्ल्ड वॉर टू, और फर्स्ट वन वाज अलाइड ग्रुप और दूसरे एक्सिस। अलाइड मैंने आपको बता ही दिया कौन थे और एक्सिस भी बता दिया कौन थे। और यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पे दो बम गिराए थे, आप जानते हो, द लिटिल बॉय और फैट मैन बम के नाम थे ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स। और एक बात मैं आपको ये भी बताऊं, यही वो दौर था जो 12th की हिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे, जहां से यूएसएसआर और यूएसए के बीच में रेस शुरू हो गई कि दुनिया में सुपर पावर कौन है, और अंत में यूएसएसआर 1991 में टूटता है और यूएसए जीत जाता है। जापान वाज कंट्रोल्ड अंडर द यूएसए एंड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस। तो जापान पे कंट्रोल था यूएसए का और एक नया संविधान वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, आर्टिकल 9, द सो कॉल्ड नो वार क्लॉज, कि युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज वर रिवाइव्ड एंड द फर्स्ट पोस्ट वॉर इलेक्शंस हेल्ड इन। तो वॉर के बाद पहले इलेक्शन जापान के अंदर 1946 में हुए और वुमेन्स को भी अधिकार मिला वोट डालने का, ये बढ़िया चीज़ थी। द रैपिड बिल्डिंग ऑफ द जैपनीज इकोनॉमी आफ्टर इट्स शैटरिंग डिफीट वॉज कॉल्ड अ पोस्ट वार मिरेकल। तो ये जो जापान ने इतनी तरक्की करी वॉर के होने के बाद, सब कुछ खत्म होने के बाद, वो एक जादू की तरह है। इवन आप देख लो, आए दिन वहाँ पे बाढ़ या भूकंप आ जाते हैं, फिर भी वो कितनी जल्दी अपने आप को रिस्टोरेशन कर लेते हैं। द क्लोज वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी एंड द इंडस्ट्री इन द प्री वॉर ईयर हैड स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमी।
गवर्नमेंट ने, ब्यूरोक्रेसी ने, इंडस्ट्रीज़ ने इतना बढ़िया काम किया कि जापान इतनी मजबूत इकोनॉमी के रूप में उभर के सामने आया। यूएस इस सपोर्ट हेल्प एज वेल एज वॉर बिटवीन द कोरिया एंड द वियतनामीज आल्सो हेल्प्ड द जापान्स इकोनॉमी। यूएस ने भी इसको सपोर्ट किया, और जो कोरिया और वियतनाम पे इसने अपना टेरिटरी पे कब्जा किया था उसकी भी इसको क्या मिली, मदद मिली, आल्सो हेल्प्ड द जापानीज इकोनॉमी। द 1964 ओलंपिक्स हेल्ड इन टोक्यो, टोक्यो में 1964 ओलंपिक हुए, दुनिया का सबसे महंगा शहर है टोक्यो। तो द 1964 ओलंपिक्स हेल्ड इन टोक्यो एंड द नेटवर्क ऑफ हाई स्पीड शिंकसेन और बुलेट ट्रेन आल्सो स्टार्टेड, 1964 में बुलेट ट्रेन भी शुरू कर दी इन्होंने, हैव केम टू रिप्रेजेंट द एबिलिटी। इससे जापानीज की ताकत का पता चलता है कि जापानीज लोग कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी रखते हैं और कितनी उनके अंदर क्षमता है अपने आप को दोबारा रीबिल्ड करने की, या अपने आप को दोबारा से मतलब एक सुपर इकोनॉमी बनाने की। एक देश को अच्छा उसकी गुड ह्यूमन कैपिटल बनाती है। इट्स इम्पैक्ट मेनली सीन ऑन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट। अब देखो ये तो भाई मानना पड़ेगा, डेवलपमेंट कर रहे हैं पूरी तेजी से भाई, आप बुलेट ट्रेन चला रहे हो, फैक्ट्रियां लगा रहे हो बड़े स्केल पे, प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हो, तो प्रकृति का तो एक्सप्लोइटेशन होगा या नहीं? मैं इसको आपको एक आसान एग्जांपल से समझाऊं। मान लो एक एरिया है 20 बीघे 30 बीघे का, और आप वहाँ से गवर्नमेंट, मतलब आपका मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट वहाँ से एक हाईवे निकालना चाह रही है। अब वो सारी ज़मीन गई गई, अब क्या उस ज़मीन पे खेती होगी? नहीं, क्योंकि वहाँ तो हाईवे बन गया। अब उतना प्रोडक्शन हर साल देश के अंदर क्या होगा? कम होगा। ये है एक्सप्लोइटेशन नेचुरल रिसोर्सेज का। तो डेवलपमेंट अपने साथ नेगेटिव फैक्टर्स भी लाता है, पर फिर आप कहोगे कि भाई ज़रूरी भी है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो सारी प्रॉब्लम्स जस्ट बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से उठती हैं। कैडमियम पॉइजनिंग एंड मरकरी पॉइजनिंग विच लेड टू पेनफुल डिजीज। तो ये सब जो फैक्ट्रियों से ये सब निकल रहा था, मरकरी पॉइ धुआं या ये सब जो हजारडियस गैसेस थी 1960s, और प्रॉब्लम कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन अर्ली 1970s, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। मैनी मूवमेंट और स्ट्राइक्स भी की गई पीपल्स के द्वारा ताकि गवर्नमेंट पे प्रेशर बने और ये सब चीज़ें बंद हों। गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड न्यू लीगल रेगुलेशंस, नए कानून बनाए गए और प्रकृति के एक्सप्लोइटेशन पे वो सिस्टमेटिक वे में चलेंगे और इम्प्रूव कंडीशंस भी इम्प्रूव की जाएंगी। देखिए क्या होता है, कई बार जब एक देश अपने आप को डेवलप करना शुरू करता है और अपने आप को एक्सपेंड करना चाहता है, हर देश का ये मोटो होता है और हर देश ऐसा करना भी चाहता है, पर जब हम अपने आप को मतलब देश ऐसा करना सोचे तो उसको नेगेटिव फैक्टर्स को पहले सोचना चाहिए, पॉजिटिव फैक्टर्स को बाद में। अब देखिए यूक्रेन और रशिया का, रशिया अपने आप को एक्सपेंड, 176 लाख किलोमीटर का एरिया ऑलरेडी यूएसएसआर रशिया के पास है, क्या ज़रूरत है उस छोटे से देश यूक्रेन की 2-3 टेरिटरीज को कब्जा करने की या उससे लड़ने की, अपने भी सैनिक मारने मरवाने या उनके भी मारने की, और होगा क्या? कुछ भी नहीं भाई। 176 लाख किलोमीटर, इंडिया सिर्फ 32 लाख किलोमीटर का है, वो 176 लाख किलोमीटर के हैं फिर भी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी कंट्रीज या लोग अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू करते हैं तो नेचर पे भी प्रभाव पड़ता है और लोगों के जीवन पे भी प्रभाव पड़ता है। हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि यूरोपियंस जब ऑस्ट्रेलियन के जो लोकल लोग्स थे या जो वहाँ के ट्राइबल्स लोग थे उनके साथ क्या हुआ, अंत में आके उन ट्राइबल्स की ज़मीनें छीन ली गई, वो सब प्रॉब्लम्स। तो कहने का मतलब क्या है कि एक्सपेंशन अगर पॉजिटिव वे में किया जाए, सबको साथ लेके किया जाए, दैट इज़ गुड, अदरवाइज इट विल ओनली कॉज डिस्ट्रक्शंस प्रॉब्लम्स जो जापान के केस में हुआ। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में हम चाइना से शुरुआत करेंगे चीज़ों की। उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, जितने भी हमने हेडिंग्स पढ़ी हैं। और देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर किसी भी पॉइंट से आपकी कोई भावना हर्ट हुई है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है किसी भावना को हर्ट करने की, चीज़ें लिखी हुई हैं सर आरटी की बुक में, मैंने बस एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ये सब वर्ड्स एनसीईआरटी की बुक्स के ही हैं, आप लाइन टू लाइन मैच कर सकते हैं।
बाकी आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, खूब नाम कमाइए, इस देश के लिए अच्छा कीजिए, सोसाइटी के लिए अच्छा कीजिए, यही हमारी मनोकामना है। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।